बॉडीगार्ड में। ओ भाई ये रहा वो भाई बीच में यहाँ पे भाई, ये वही है। ओ भाई कसम से क्या हुआ अंदर कोई है? हमने घुमा के कुछ इस तरीके से लगाया कि हम ज्यादा ज्यादा जगह पर नजर रख पाए भाई। अब मेरे को लग रहा है ना तो ये जो चीज है ना यार कैसे हो आप लोग और आप सबका स्वागत है आरकेएसटी ऑफिशियल में। और फिलहाल अभी हम दोनों भाई खड़े हैं, भाई पीछे एक बार टॉर्च मार दो थोड़ा सा दिख जाए भाई सभी को, मोस्ट हॉन्टेड हैवान रूम, ठीक है। और यहाँ आने का मेन पर्पज था कि इनके या मतलब यहाँ के जो मालिक है जमीन के, उनसे बात हुई थी और उनका कहना था कि उन्होंने यहाँ पे इसकी शुद्धि के लिए पूजा वूजा भी करवाई है यहाँ पे। और उन्होंने फिर बोला कि भाई आप वापस जाओ और वापस जाके चेक करो कि भाई अभी वो चीज़ यहाँ पे है या नहीं है। तो करीबन हमें एक घंटे से ऊपर हो चुका है और लगभग टाइम हो रहा होगा लगभग 11:30 बज गए होंगे यार। 11:30 बज गए। हाँ तो 11:30। बड़ी बात पता है क्या भाई, गाड़ी भी आज यहीं पर लेके आए हैं, रास्ता पूरा बना हुआ है और एक साउंड की भी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर गाँव है तो वहाँ पर शादी का प्रोग्राम भी है। बाकी हम खड़े हैं इस मोस्ट हॉन्टेड रूम के पास में भाई। ये देखो ये भाई कब से खड़े होके यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आती आवाज को, बीच में कुछ आवाज यही पर मैं भी वो जानवर हो सकते हैं क्योंकि आसपास पूरा इसके पीछे की तरफ मैम कुछ दूरी पर ना कुछ मीटर पे पूरा जंगल है तो ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं भाई, अभी तो हम फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं और बाकी अभी बड़ी लाइट लेके हम जाएंगे अंदर की तरफ और आप सभी को दिखाएंगे। और आज भाई पूरा मूड है हमारा फुल नाइट स्टे का, ठीक है, क्योंकि हम आतो भाई 10 बजे गए थे अभी। पर यार देखो ना सेफ्टी पर्पज भी है, अगर हम एक बार विजिट करेंगे हमें कुछ लगा कि वहाँ पे कुछ भी है तो हम स्टे इस गाड़ी में करेंगे यहाँ से, ना कि वहाँ रुके, क्योंकि यार हम यहाँ से गाड़ी की लाइट ऑन करके या गाड़ी को थोड़ा सा और पास में लेंगे हम और उसके बाद में हम नज़र रखेंगे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे को नज़र आती है या नहीं आती है या कोई एक्टिविटी होती है। अगर कुछ होगा तो ही हम बाहर निकल के वहाँ पर जाएंगे, वरना भाई गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे हम उस चीज़ को देखेंगे कि वो दिखती है या नहीं दिखती है भाई। तो भाई फाइनली एक बार अब कैमरा ऑन किया तो साथ में वेट करते हैं आप लोगों के साथ में। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर चल के देखते हैं एक बार कि क्या है। अभी हम भी नहीं गए भाई, कम से कम 1-1.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर। फिलहाल जिसने भी वीडियो प्ले कर लिया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई कर दे शेयर, ठीक है। और चलते हैं अंदर की तरफ, चले भाई लो लाइट लेते हैं। ये चीज लेके आते हैं यार, क्या उसको ट्राई तो कर सकते हैं भाई, क्या बोलते हो? कर सकते हैं ना। हाँ पहले अंदर चलते हैं एक बार, अगर फिर कुछ लगेगा तो फिर लेके आएंगे। अभी कुछ लगेगा तो ठीक है, कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कुछ नहीं लगेगा तो उस चीज को बुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ये कुछ साउंड डिस्टरबेंस हो सकती है तो भाई है ना। ये किसकी आवाज है? जो छोटे उल्लू होते हैं। यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, वो सारी साफ सूफ हो चुकी है और ये इसकी कंडीशन भी बहुत बुरी। ये देखो अंदर क्या हुआ, अंदर कोई है? एक मिनट, इस तरफ जाली 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 में
जाली में, कोई वहाँ पीछे वाली में। कौन है यहाँ पे? कौन है ये? देखो अंदर भाई है ना, मतलब लोगों ने भाई, पर लोग यहाँ पे है ना ड्रिंक करके गए हैं कि पूजा वूजा होने के बाद में, क्योंकि लगभग एक महीने पहले उन्होंने पूजा करवाई थी यहाँ पे। कौन है? कौन है? क्या हुआ भाई? रो रो भाई, अभी यहाँ पे कोई था यहाँ पर? हाँ कदम से अभी खड़ा था ब्लैक था भाई, अंदर कोई है कसम से बता रहे हैं भाई। यहाँ कसम से देखो, बहुत समझा रहे हैं यार, क्या करें, अंदर चले जाए गाड़ी में, पास लाके गाड़ी में वेट करें। अंदर किसी न किसी की आवाज आ रही है भाई। भाई मेरे को लगा उस जाली के पीछे, एक बार पीछे चल के आएगा इसके, क्या बोलते हो? अंदर या तो कोई है भाई। वो दिख रहा, वो सर दिख रहा है, वो वहां पे सर दिख रहा था पीछे कोई है। एक मिनट, गाड़ी बहुत दूर रह गई यार, यहाँ पीछे कोई दिख रहा था कसम से भाई, ऐसा लगा ऊपर कोई चल रहा था। क्या करे भाई, गाड़ी में चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उसके बाद ही देखेंगे, क्योंकि अंदर जाना रिस्की हो सकता है, सेफ्टी के नाम पे आज कुछ है भी नहीं अपने पास भाई। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, जो उन्होंने पूजा करवाई है ना, वो पूरी फेल हो गई है भाई। जिस तरीके से सोल्यूशन अपन ने बताया था ना, अगर वो उस तरीके से करते तो हो सकता है उसका इलाज हो जाता भाई। उन्होंने कुछ ढंग से किया नहीं है भाई, मेरे को भी ये लग रहा है कि ये ना उन्होंने खुद का दिमाग लगा लिया, या किसी के चक्कर में आ गए वो, बहकावे में आके है ना, जो किया है ना उनके। यार अभी वापस गाड़ी के पास ही आए हैं। हाँ ओके यार, तो यार अभी हम वहाँ जाके आए थे और अंदर कुछ आवाज़ें आई, पर हम अंदर नहीं गए क्योंकि ना थोड़ा सा भाई मन में ना वही चीज़ें चल रही है, क्योंकि वह जगह रियल में बहुत ज़्यादा खतरनाक है कसम से यार। हम उसके चक्कर लगा के आ गए रूम के, पर अंदर नहीं गए, अंदर कोई ना कोई चीज़ थी और हमने खुद की आंखों से देखी है, हो सकता है कैमरे के अंदर भाई रिकॉर्ड भी हुई हो। हम अंदर बैठे हैं गाड़ी में, अब थोड़ी सी गाड़ी को आगे लेंगे और यहाँ पर कैमरा सेटअप करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ हमारे को नज़र आती है या नहीं। हम थोड़ा ये सेफ्टी पर्पज से हम थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में आज बिल्कुल सेफ्टी नहीं है भाई, कसम से बता रहा हूँ बिल्कुल भी। और सेफ्टी ना लाने का रीजन भी यही था कि भाई उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पूजा करवाई है, इतना पैसा खर्च किया है उन्होंने, तो यार सब सही होगा बिल्कुल। यहाँ पे जो चीज थी वो चीज सॉल्व हो गई होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा उनके अकॉर्डिंग। हमारे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो यहाँ पर पाठ पूजा हवन पूजा जो भी करवाया वो पूरा व्यर्थ गया भाई। हमारे पास एक चीज और है, हम यहाँ यूज कर सकते थे, पर जिस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें दिखी है हमें और एक्टिविटी हुई ना, तो मतलब कि है ना उस चीज का यूज करने का मतलब नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लेके आए थे भाई स्पेशल इसके लिए ही उस चीज को मंगवाया है कि हम यहाँ पर यूज करें और उससे बात करें। आज तक इतनी बार हम यहाँ पर आ चुके हैं पर उस चीज से हमारे को बात नहीं हो पाई है, ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन है तो यहाँ पर रुकने का या थोड़ा सा वेट करने का क्योंकि एक चीज और है कि ये थोड़ी सी ये जमीन विवाद भी है। हाँ। तो भाई है ना, अगर मान लो कोई वैसा सीन हो, विवाद वाले कुछ ऐसा कर रहे हो या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर कच्चा कलवा छोड़ा हुआ हो भाई।
हाँ, एक जो मसान होते हैं जिनको कच्चा कलवा बोलते हैं भाई, हाँ, समझ गए होंगे। क्योंकि भाई एक्चुअल में क्या ये विवादित जमीन, क्योंकि भाई है ना, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ना जो वो चीज थी ना, वो चीज यहाँ पे नहीं है। वो तो देखने के बाद में पता लगेगा भाई, अब हो सकता है क्लियर नहीं बोल सकते हम कि वो चीज है यहाँ पर या नहीं है, पर वहां पर हम कैमरा सेटअप करेंगे उसके बाद में ही हमारे को पता लगेगा कि एक्चुअल में वो चीज है या वो यहाँ से चली गई। क्योंकि भाई रंजिश के अंदर है ना बहुत कुछ यार, बहुत से लोग पता है क्या होता है कि बुरा करने के चक्कर में है ना इतने गिर जाते हैं भाई। क्योंकि है ना, अभी थोड़ा सा इस डिटेल में बता दूं कि जिसका ये रूम है ना, वहाँ ये उसके रूम के आसपास जो पूरी जमीन है वो 110 बीघा। यार 110 बीघा का मतलब आपको लगभग 55 एकड़ जमीन, उससे ज्यादा का मैटर है पूरा ये। तो उसमें भी रंजिश में बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है भाई, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चल रहे भाई आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को एक बारी। हाँ करो, कैमरा आगे करो, देखे आगे बढ़ाते हैं भाई। ठीक है भाई, गाड़ी को ज्यादा दूर नहीं लेंगे भाई। ये नाला सा दिख रहा है ना इसकी, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि ना मैं चाहता हूँ ना गाड़ी को ना ऐसे करके ऐसे घुमाऊं मैं। कांटों का देख लेना भाई, गाड़ी में जेक भी नहीं है। हाँ यार, जाड़ी है उधर रखो, उधर ये जगह पड़ी है ना। हाँ, ये थोड़ी साफ सुथरी सी लग रही है, यहाँ पर लगाते हैं गाड़ी को भाई। देखो यार, हमने घुमा के कुछ इस तरीके से लगाया कि हम ज्यादा ज्यादा जगह पर नजर रख पाए। तो भाई अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, तो ये जो चीज है ना, ये क्लियर नजर आ रही है, कुआ भी आ रहा है नजर। हाँ भाई, कुआ नजर। एक मिनट रुकना, देखो मैं ना थोड़ी सी टॉर्च निकालता हूँ बाहर, देखना यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कुआ आ गया। ठीक है, और ये भाई ये पूरा रूम आ गया, ये देखो। ठीक है भाई, अपना मेन पर्पज भाई ये कि अपने को स्टे करना है। और वहां पर कुछ कुछ निकल के आया वहां से, आंखों का धोखा था, रियल में कुछ था। जूम करो ना, जूम। एक मिनट, नहीं यार, यहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा, या तो कोई बोतल है या कुछ तो है भाई। भाई क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो पूजा हुई ना उसके बाद में लोग मतलब दिन में वापस नशे वशे करने वाले आने लग गए यहाँ पे पार्टी करने के लिए। हाँ, क्योंकि उनके लिए इतनी बढ़िया जगह को तभी भाई इस पे है ना इतना वो कोयले से लिखा पड़ा है ना वो सब वापस। पहले कुछ नहीं था भाई यहाँ पर, इसका मतलब है ना लोग नो टेंशन हो गए। हाँ, एक तरह से टेंशन फ्री से लग रहा है। हाँ, वो कि भाई कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई देखते हैं, खड़े हैं आपके सामने आई थिंक, बैठे हैं और कैमरा लगा रखा है। यार करीबन टाइम हो चुका 12:30 बजे का, और 1 घंटा से ज्यादा हमें बीत चुका है यहाँ पे, और फिलहाल तक हमें कुछ ऐसा लगा नहीं है भाई। बार बार उधर से है ना, मैं घुमा के दिखाऊँ ना थोड़ा सा, उस तरफ से हल्की हल्की लाइटें जल रही है, जैसे कोई फोन की फ्लैश ऑन कर रहा हो। तो हम बार बार ध्यान उधर भी जा रहा है, पर और हो सकता है कि ये जो यार यहाँ पर है ना सीआर भी आते हैं, हालांकि उनकी आवाज़ें नहीं आई हैं, हो सकता है नीलगा ही हो। ठीक है, और जो गाड़ी की लाइट है ना उनकी आंखों में पड़े ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा हो, क्योंकि आंखें ब्लिंक करती है। तो हो सकता है कि वो जानवर हो, और हो सकता है मान लो कोई विवाद की वजह से कोई लड़के भी आए हुए हो। ये जरूर हो सकता, पर बट ना भाई ये होता है ना कि कोई आए हुए हैं लड़के वगैरह, तो अभी तक वो अपने पास में पहुंच चुके होते क्या, क्योंकि लाइट जल रही है यार मैन। तो ठीक है, नींद भी आने लग गई, और इतनी रात को यहाँ पर आकर शूट करना बहुत वो है भाई, कि हो सकता है कि आसपास के लोग आ जाए। फिर भी अभी तक कोई भी नहीं आया। ठीक है, हमारे को 2-2.5 घंटे होने को आ गए भाई, और अब ऐसा लगने लग गया कि यार नींद सी आने लग गई। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई क्या करें, चले क्या यार, वही यार रुक जाते हैं, क्योंकि बीच में है ना कुछ आवाज़ें भी आई बातें करने की किसी की, तो मेरे को लग रहा है कि यार कोई भाई रुको, मेरे को लगा यार ऊपर कोई है। छत को? हाँ यार, भाई छत पे कोई है, छत पे कोई है लग रहा है भाई, अगर कुछ होएगा तो। भाई बीच में यहाँ पे भाई ये वही है ओ भाई, कसम से
भाई ये वही था भाई, छत पे था ये भाई, अभी तो वो भाई छत पे था ये। यार अचानक भाई खिड़की में है, खिड़की में है कोई, खिड़की में दोस्त यार क्लियर कसम से। वहां पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊ ना, यहाँ पे सही गेट पर भाई, सही गेट पर क्लियर वो दिखी है चीज भाई। अलर्ट रहना है, कैमरा ऑन रखना है। ओ भाई 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 भाई, जो बाहर से म्यूजिक का शोर आया था वो भी बंद हो गया अब तो। भाई यही पर वेट करते हैं, भाई वेट करते हैं ना, जाना करते हैं। यार कसम से भाई यार समझ में नहीं है यार इसका तो। यार भाई उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया कसम से इस पूजा में। हाँ पर यार भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा ना, उनको अपनी बात माननी चाहिए। और भाई वो अभी भी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, अंदर ही है वो कसम से भाई, वो अंदर घुस गई वो चीज। अंदर चल के देखेगा क्या बोलते? नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेंगे भाई अंदर। अंदर चल के देख सकते हैं यार कहीं। ओ भाई ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर हल्का सा कुछ तो दिख रहा है यार, ये क्या है? अरे भाई ये वही है भाई, ऊपर देखो ऊपर, ये वही है कसम से। रुकना कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो, मैं टॉर्च मारता हूँ भाई, कैमरा पकड़ो। एक मिनट, लाइट करना, लाइट करना। वो ओरी 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 ओरी, वो देखो वो देखो वो देखो। ओ भाई भाई ये वो तो उसमें थी भाई, अंदर थी वो, गेट भी लगा हुआ था यार। पर भाई इन चीजों के यार की गेट वेट कहाँ आते हैं भाई? अब भी भाई वहां पर दिखी थी भाई वो नीचे, वो देखो। अरे यार कहाँ गई ये चीज, चली गई भाई। ओ भाई यार सिस्टम समझ में नहीं आया कसम से ये तो यार। अब भी भाई वो चीज रूम के अंदर घुसी थी भाई, और यार 10 सेकंड भी नहीं होंगे वो चीज ऊपर नजर आ गई भाई। भाई तो पूरी नजर जमा के रखे है भाई, कोई ना भाई देखते हैं वापस वो चीज एक बार देखी तो वापस जरूर दिखेगी। कम लाइट कर तुम, देखो एक मिनट रुक जाओ। नहीं अभी नजर नहीं आ रही है, ये देखो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। भाई कम से कम 1.5-2 का टाइम हो गया यार, और अशोक भाई भी सो गए भाई परेशान होके। उस चीज़ की उस वो जो चीज़ दिखी थी उसके बाद में वापस मेरे को नज़र आई नहीं है। मैं कब से यार आंखें गड्ढों के वहाँ पर नज़र रख रखा है भाई। और गाड़ी की लाइट भी भाई डिस्चार्ज हो गई, इसीलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा। और अभी भी देखो यार, अभी भी है ना वो कर रखा है भाई, कम लाइट कर रखी है मैंने, ठीक है, क्योंकि भाई परेशान हो गए। और म्यूजिक सब बंद हो गए भाई, पूरा सुनसान माहौल हो गया है यहाँ का। और सच में परेशान भी हो रहे हैं भाई, तगड़े वाले परेशान हो रहे हैं यार। पर भाई अभी तक वो चीज़ वापस नज़र नहीं आई कसम से बता रहे हैं। बाकी मन तो कर रहा है कि अब यहाँ से निकल जाएं, उसी में फ़ायदा है, ठीक है, परेशान होने से कोई मतलब नहीं है भाई। बाकी सोच रहा हूँ कि यहाँ से गाड़ी घुमाई लूँ मैं एक बार, आपको दिखा देता हूँ भाई सामने की तरफ। ये देखो दोस्तों, अभी तक वापस वो का वही माहौल है, कोई दिखा नहीं है कुछ भी। और सोच रहा हूँ कि बस यहाँ से अब निकल जाऊँ। फाइनली यार मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि आंखें भाई लाल हो चुकी है और आंखों में नींद है तगड़ी वाली, सूजन सी आ रही है आंखों में यार यहाँ पे देखो। और अशोक भाई तो भाई सो रहे हैं, तो बस भाई यहाँ से निकलते हैं, अभी होटल पहुँचेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। चलो यार ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है दोस्तों, और बस निकलते हैं यार।